ओके सर फरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है और कितने सर कटवाओगे अच्छे दिन तो ना आ पाए सीएए से अब धमकाओगे युवा जो उतरेंगे सड़कों पर शर्म से सर झुकाओगे वापस ले लो एनपीआर एनआरसी सीएए बंद करो ये अत्याचार प्याज ही सस्ता दे दो भाई आर्थिक स्थिति का पर करो विचार बूढ़े जो अपनी उम्र भी ना जाने अनाथ कहाँ जाएंगे बाढ़ में जिनके घर बर्बाद कागज खाक बताएंगे नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे हर मजहब ने खून बहाया है तिरंगा सिर्फ आपका थोड़ी है एक बात याद रखना सरकार हिंदुस्तान किसी का बाप का थोड़ी है मजहब ने खून बहाया है तिरंगा सिर्फ आपका थोड़ी है एक बात याद रखना सरकार हिंदुस्तान किसी का बाप का थोड़ी है और मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक रखती हूँ और साथ ही साथ मैं एनजीओ में भी काम करती हूँ आज हम सब लेडीज न सिर्फ मुसलमान जबकि हिंदू सिख और क्रिश्चियंस काफी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आप देख सकते हैं स्टेज पे कई लेडीज बोल रहे हैं तो हम सब आज इसलिए यहाँ पर जमा हुए हैं क्योंकि जब तक ये एक्ट वापस नहीं होता ये जो बर्बरता का एक्ट है और जो बर्बरता का रवैया है जो बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है जब तक इस एक्ट को हम वापस नहीं लेंगे ये लोग जब तक ये प्रोटेस्ट हमारे चलते रहेंगे और हालात इतने बुरे हो गए हैं कि आज हम औरतों को भी सड़क पे आना पड़ा है हम अपने घर दार अपने बच्चों को छोड़ दे के दिन भर हम नौकरी कर रहे हैं और शाम में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि नौकरी भी तो करना जरूरी है अब हमारे मुल्क की हालात ऐसी है कि प्याज इतनी महंगी हो गई है हम नौकरी छोड़ के भी तो नहीं बैठ सकते हमारे मुल्क की जो हालात है डीजल इतना महंगा हो गया है जीडीपी की ग्रोथ देखिए क्या हो गई है 2018 का डेटा क्या था 8% था वो भी पता नहीं कितना सही था लेकिन अब हमारा जो डेटा है 4.5% है अगर हम माने कि वो सच है तो आप सोचिए कि पिछले 30 साल में ये नहीं हुआ 4.5% हमारी जीडीपी हो गई है और हमारे टैक्स कलेक्शन देखिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज देखिए तो इससे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट पूरी दुनिया के परेशान हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है और ये सब बातों को छुपाने के लिए देश में बड़ी आग लगाई जा रही है ताकि इसके धुएं में ये सब जो असल परेशानियां हैं ये परेशानियां छुप जाएं वहां पर तमिलनाडु में 17 दलित भाइयों की मौत हो गई है ये किस कारण हुई क्यों मुसलमान आबादी और 25 करोड़ दलित भाई जो हमारे साथ हैं जो क्रिश्चियन और दूसरे मजहब के भाई हमारे साथ हैं उन सब भी वो सब हमारे साथ चलने के लिए तैयार है अंदर पूरे इंडिया को बड़ा डिटेंशन सेंटर बना दीजिए और हम सबको अंदर डाल दीजिए उसमें और हम कोई पेपर देने वाले नहीं है ना एनपीआर के लिए ना एनआरसी के लिए अगर आपको सेंसस करवाना है तो एनपीआर का 2010 का जो है फॉर्मेट वो फॉर्मेट में ही हम रेडी है हम ये नए फॉर्मेट के खिलाफ है क्योंकि ये क्लियर है कि आपका इंटेंशन क्या है ये डेटा लेने का बहुत बहुत शुक्रिया कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हम एक्सेस फाउंडेशन एनजीओ से हैं आपका नाम मेरा नाम मारिया तबस्सुम है थैंक यू सो मच प्रॉब्लम क्या है बोले तो एड्रेस का प्रॉब्लम रहता और इवन जेंडर्स का प्रॉब्लम रहता एक फीमेल है तो मेल का आ जाता मेल का है तो फीमेल का आ जाता तो वो लोगों को पता भी नहीं महिला संघाल का मैं अकड़ा 15 రోజులు గోత్ర మారణ హోమానికి ప్రపంచం మొత్తం కూడా సిగ్గుపడే విధంగా సాగిన గోత్ర మారణ హోమానికి వ్యతిరేకంగా కూడా ఉన్నాం 97లోనే గుజరాత్ కాషాయ ప్రయోగశాలలో గుజరాత్ ఇది భారతదేశానికే నష్టమని 97లో పర్యటించి మేము పిఓడబ్ల్యూగా అప్పుడు ఒక రిపోర్ట్ కూడా తీసుకొచ్చాం మిత్రులారా గత 20 సంవత్సరాలుగా భారతదేశంలో బీజేపీ ప్రస్థానంలో ముస్లింల పట్ల జరుగుతున్నటువంటి దాడులని అప్రమత్తంగా ఉండమని సమాజంలో పనిచేస్తున్న మేము ఈ రోజు ఈ సిఏకి వ్యతిరేకంగా కూడా ఉద్యమంలో ఉన్నాం ఇవాళ మనం సిఏని వెనక్కి తీసుకోమని ఎన్పిఆర్ ఎన్ఆర్సి కుట్రలని వ్యతిరేకించడం అని ఇవాళ ప్రజలతోటి పనిచేస్తున్నటువంటి క్రమం बदलने की साजिश है ये वोट बैंक बनाने की साजिश है और इसके खिलाफ हमको आवाज उठानी है बस मैं यही बताना चाहती थी कि ये ध्यान में रखना है हमें थैंक यू इंकलाब आजादी आजादी मानोर से मैं बोल रही हूँ जरा 2 मिनट के लिए बात करें यहाँ पे हेलो मुसलमान औरतों ने अपने जान दिया है आज फिर दोबारा इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम अपना जान यही पे गंवाने के लिए तैयार है चाहे पुलिस ला लो
इसका अंजाम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। सेल्फ डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन में फर्क है, आपको डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ प्रूफ करना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम प्रूफ कर पा रहे हैं तो वो हमारा नाम एनपीआर से लेकर एनआरसी में डालेंगे, द रजिस्टर फॉर सिटीजन, और नेशनल आईडी कार्ड इश्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप सब बहनों को बेसिक्स ऑफ सिटीजनशिप मालूम होनी चाहिए। अभी देखिए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो इंसान इंडिया में पैदा होता है वो सिटीजन है, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इस एक्ट के तीन हिस्से किए हैं सिटीजनशिप के लिए। जो लोग 1987 से पहले पैदा हुए हैं, जैसे कि जो लोग जिसकी उम्र 32 इयर्स और अबव है, ज़ईफ़ लोग हैं, इनको बोल रहे हैं आप प्रूफ करिए आप इंडिया में पैदा हुए, प्रूफ ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। जो लोग 15 साल से 32 की एज में है उस शख्स को बोल रहे हैं, यानी कॉलेज के बच्चियां यहाँ पे जो है, आप इंडियन सिटीजन कैसे बनते हो? तो आपको पूछ रहे हैं आप इंडिया में पैदा हुए ये प्रूफ करिए, उसके साथ आपके पेरेंट, कोई एक पेरेंट भी इंडियन सिटीजन है ना। सिर्फ आपके पेपर से काम नहीं चलेगा, आपके पेरेंट का भी चाहिए। और जो मासूम बच्चे 2004 के बाद जो पैदा हुए हैं उनके लिए कंडीशन है आप इंडिया में पैदा होना, वन ऑफ योर पेरेंट्स शुड बी इंडियन सिटीजन एंड नन ऑफ देम शुड बी एन इलीगल इमिग्रेंट। ये कंडीशन लगा रहे मासूम बच्चों के लिए। अब ये इलीगल इमिग्रेंट कहाँ से आ गया? देखिए, हमेशा से गवर्नमेंट को एक फिक्र थी कि ये मुंबई अटैक्स की वजह से, कारगिल वॉर की वजह से काफी लोग इंडिया में आ चुके हैं, तो उनका एक फियर है कि बहुत सारे लोग हैं जो इलीगल है, तो इस इलीगल के लिए वो एक डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। या तो डॉक्यूमेंट चेक में अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स डाउटफुल है तो हमारी कैटेगरी डाउटफुल सिटीजन बन जाएगी। और उसके बाद तो आपको आइडिया ही होगा, आसाम का एक्सपीरियंस हमने देखा है कि डाउटफुल सिटीजन को कितना हरासमेंट हुआ है सिस्टम का, और जो लोग उनका वेरिफिकेशन कर रहे थे, तो इस वजह से टू एवरीवन आवर मेन कंसर्न इज आवर डॉक्यूमेंट्स एज करिश्मा सेड। सो हियर आई वाज टोल्ड टू टेल यू हाउ यू कैन कीप यू नो एटलीस्ट अ बेसिक डॉक्यूमेंट in all your areas there are post offices, so make sure that you get your aadhar cards ready from the post offices and guide all those who I'm sure jo jo bhi yahan pe hai unke to aadhar card hai maximum, magar hamare jo behne hain, hamare jo bhai hain jiske aadhar card nahi hai, wo aadhar card post offices ke through hum bana sakte hain। ye ek information main aap logon ko dena chahti hu। हाँ, हमारा जोश बहुत है, हम लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं एनआरसी नहीं होगा, सीए नहीं होगा, हम अलाउ नहीं करेंगे इसको, मगर फिर भी हम हमारे आधार कार्ड तो रेडी रखेंगे। हमारे हम लोग को सबको ये करना है कि हमारे एरिया के पोस्ट ऑफिस में हमारे लोग जो हैं जिसके पास आधार कार्ड नहीं है उनके आधार कार्ड बनवाइए और पोस्ट ऑफिस को अप्रोच करिए। बहुत इजी प्रोसीजर है। अब आपको कहीं, आप सबको कारवी या कहीं भी मेन सेंटर्स में जाना नहीं पड़ेगा।